में इस टूर्नामेंट का कोई जिक्र नहीं किया गया, तो मुख्तलिफ सवालात पैदा हो रहे हैं कि पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र क्यों नहीं किया गया, क्या इस हवाले से कोई पसे पर्दा मसाइल हैं और क्या पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के बेटे जय शाह ICC के सबसे कम उम्र चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं, उन्होंने क्रिकेट के फरोग के लिए नए आइडियाज और जिद्दत अपनाने की बात की है, लेकिन क्या ये तकर्री भारत के क्रिकेट पर बढ़ती हुई उजारादारी को मजीद तकवीत देगी। जय शाह का ICC चेयरमैन बनना एक अहम पेशरफ भी है और ये देखना भी अभी बाकी है कि वो आलमी सतह पर क्रिकेट के फरोग में क्या इकदाम करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उनका योहदा भारत के क्रिकेट पर जारदारी को मजीद मजबूत कर सकता है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट अबू बकर बिन तलत ने हमें ज्वाइन किया है। अबू बकर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कायद आजम ट्रॉफी के हवाले से मैं आपका कमेंट चाहूँगा, ताखिर का शिकार होने से आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए अनवर, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जहां से हमने फ्यूचर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने निकालना है, लेकिन ऑन द अदर साइड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये प्लानिंग है कि बिल्कुल 11th आवर में आके जो उन्होंने डेट्स अनाउंस की हुई थी, जो स्केड्यूल था कायद आजम कप का, वो बिल्कुल एंड मोमेंट पे उन्होंने कहा कि जी अभी नहीं हो सकता। और इस हवाले से जब हमने पीसी भी जराए से ये मालूम किया तो उन्होंने कहा जी नई डेट्स जो है वो जल्द ही अनाउंस कर दी जाएंगी, लेकिन बजायर ऐसा लग रहा है कि नॉन सीरियसनेस शो की जा रही है डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके, और सारी तवज्जो ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और इसके फ्यूचर के लिए भी, लेकिन अगर डोमेस्टिक क्रिकेट जो पाकिस्तान की बेस है, जो रूट कॉज है, जहां से हमारा पूल इकट्ठा होना है, जहां से हमने प्लेयर्स जनरेट करने हैं फ्यूचर के लिए, और ऑलरेडी हम एक सेटबैक देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्पिनर्स को भी अगर आप सामने देख लेंगे, पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि स्पिनर्स हमें नहीं मिल रहे, या फास्ट बॉलर्स की भी वो जो एक प्रोडक्ट हुआ करती थी वो हमें उस तरह नहीं मिल रही, तो अगर तो ये बिहेवियर रहेगा डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से तो पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट को जितनी ज्यादा वो अहमियत दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसी तरह डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ भी आए। तो वो अगर आप फिर किस तरह से देख रहे हैं कायद आजम ट्रॉफी जैसा ये बड़ा डोमेस्टिक इवेंट है, इसमें ताखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामी कमजोरियों को जाहिर कर रही है, या फिर आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और अवामिल भी हो सकते हैं? बिल्कुल भी कोई और अवामिल नहीं है, जितने भी यहाँ पर क्लब्स वगैरह थे उनके कैंप्स भी स्टार्ट हो चुके थे और प्लेयर्स जो थे डोमेस्टिक जिन्होंने इधर पार्टिसिपेट करना था वो अपनी फुल तैयारी में थे, लेकिन बिल्कुल 11th आवर में उनको कर दिया गया कि जी आप अपने क्लब के जो कैंप्स हैं वो वाइंड अप कर दें और ये जो अपना शेड्यूल है इसके अकॉर्डिंगली नहीं खेला जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में ऑफकोर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आती है कि उनको ये स्ट्रीमलाइन करना चाहिए था और इसको अपने शेड्यूल के मुताबिक सारी अरेंजमेंट्स करके स्टार्ट करना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि जो इंग्लैंड का जो टूर है और जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये दोनों चीजें जो है अनड्यू प्रेशर के तौर पे इस कप को जो है वो साइडलाइन करके चली गई। ठीक है, और ICC बोर्ड मीटिंग अभी भी हुई, वो हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से, वहां प्रेस रिलीज में कोई जिक्र नहीं किया गया, उसकी आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत हो सकती है? देखिए ये तो राइटिंग ऑन द वॉल था कि जय शाह के ICC में इंक्लूजन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आसानियां नहीं बल्कि मुश्किलात का ही सामना करना पड़ेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए टफ टाइम अभी स्टार्ट हुआ है, ये एंड नहीं हुआ। ऑल्दो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही अच्छा मौके पेश किया हमारे चेयरमैन ने बोर्ड मीटिंग में और सेटिस्फेक्शन शो की जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जैसा कि आपने कहा कि प्रेस रिलीज में उसका बिल्कुल भी कोई जिक्र नहीं है और ऐसी बात इस टॉपिक के हवाले से कोई भी पॉइंट रेज नहीं किया, लेकिन स्टिल ये एक अच्छा पॉइंट है कि कोई नेगेटिव चीज भी सामने नहीं आई चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। दिस मीन्स के पॉजिटिव तरीके के साथ चीजें लेकर चल रही है और एक बोर्ड ने नया स्टेप भी लिया है कि जितने भी डायरेक्टर्स बोर्ड्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है उनको भी इन्विटेशन देने का फैसला किया है कि वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान जो इस हवाले से डेवलपमेंट कर रहा है और जो बिल्कुल टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली सारी चीजें लेकर चल रहा है उसको आके मॉनिटर करें ताकि किसी किस्म का जो क्याओस है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ एक नेगेटिव चीज हुई जरूर मेरी नजर में, आप क्या उससे इत्तफाक करेंगे? हुआ यह है कि जब हम देख रहे हैं कि टीम यहां पर मौजूद है, इस वक्त टेस्ट सीरीज हो रही है इंग्लैंड की टीम के साथ पाकिस्तान की, तो ECB की तरफ से जो बयान आया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि हिंदुस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा तो चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह से पाकिस्तान में होगी, ये आपको क्या लगता है, कैसा कमेंट है ये उनका, इस पर कमेंट करना बनता है जब वो खुद पाकिस्तान में अभी मौजूद है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये रियलिटी से थोड़ा दूर कमेंट लग रहा था और शायद उनका जो प्रोस्पेक्ट था वो मैक्सिमम यही हो सकता है कि इंडिया एक बड़ी क्रिकेटिंग मार्केट है और स्पॉन्सरशिप के हवाले से भी अगर देखा जाए तो इंडियन क्रिकेट का जो शेयर है वो सबसे ज्यादा होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू के हद तक तो ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव बहुत सी चीजें हो सकती है। यहाँ पे कमेंट बनता नहीं था ECB के बोर्ड ऑफिशियल्स का क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको देख रहा है और ये ICC का इवेंट है, ये पाकिस्तान की भी इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ICC ने मेक श्योर करना है कि इंडिया हैज टू कम हियर
और जितने भी अरेंजमेंट से पाकिस्तान के, अगर वो बाकी 60 टीम्स के लिए अप टू द मार्क है, तो इंडिया के लिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? इंडिया को आना चाहिए, और इन सारी चीजों को शायद अब ये आईसीसी के लिए भी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, ये शैकल टूटना चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए कि जो टाइम लाइन है और जो होस्टिंग राइट्स है पाकिस्तान के, वो तीन वेन्यूज वहां पर ही मैचेस होंगे, रावलपिंडी, लाहौर और कराची में, जो अनाउंस किए गए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था इस किस्म का बयान ईसीबी बोर्ड ऑफिशियल्स की जानिब। ठीक है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हमने देखा कि ऑप्शंस भी दी जा रही हैं कि हिंदुस्तानी टीम आए, सिर्फ रावलपिंडी और लाहौर में अपने मैचेस खेलें और फौरन फ्लाई बैक कर जाएं। तमाम इंतजाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही करने हैं, तमाम खर्चा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को ही उठाना है। आपको क्या लग रहा है, इस तरह की ऑप्शन देना दुरुस्त है या फिर अब हम फ्रस्ट्रेशन में ये सब कर रहे हैं? देखिए, एक चीज तो फॉर श्योर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है कि ये टूर्नामेंट पूरा किसी भी हाइब्रिड मॉडल के बगैर पाकिस्तान में ही होगा। अब उसके लिए वो एक पॉजिटिव स्टेचर शो कर रहे हैं कि इंडिया को ऑप्शंस भी दे रहे हैं कि देखें उनके पास कोई बहाना नहीं होनी चाहिए। एज ऑफ नाउ अभी तक इंडिया ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी कि उनको कोई सिक्योरिटी का इशू है या उनको बोर्डिंग या लॉजिंग का कोई इशू है। जब तक कोई ऑफिशियल चीज सामने नहीं आती तो शायद इस तरह की स्पेकुलेशंस को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। और हम भी यही लेंगे कि जिस तरह बाकी 60 टीम्स जो है वो सेटिस्फेक्शन शो करके पाकिस्तान आने का इंटेंशन शो कर रही है, उसी तरह इंडिया भी आएगा। तो जब तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आ जाती तो यही रखा जाएगा, और ये आईसीसी के लिए भी शायद पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो विंडो जो है वो श्रिंक होती जा रही है। 11th आवर में आप जो है होस्ट या वेन्यू चेंज करेंगे तो ये टूर्नामेंट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने आएगा। तो इसलिए रेस्ट एश्योर कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट कराने के लिए बिल्कुल रेडी है, और आईसीसी की बोर्ड मीटिंग ने भी इस बात को वाजे कर दिया है कि किसी किस्म का कोई नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट सामने नहीं आया। ठीक है, दूसरी तरफ अभी एससीओ समिट के लिए भारतीय वजीर खारजा जयशंकर साहब पाकिस्तान में मौजूद थे और उस वक्त भी ये सुनने में आया कि कहीं ना कहीं जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है उस पर बात शुरू होगी। आपको लगता है कि उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि मनाया जा सके? बिल्कुल, भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, उन्होंने बात की, और क्रिकेट डिप्लोमेसी हमेशा से पाकिस्तान ने इनिशिएट की है। पाकिस्तान ने हमेशा से चाहा है कि पॉलिटिक्स को साइड पे रख के स्पोर्ट्स में, स्पेशली क्रिकेट, क्योंकि ये दो जो नेशंस हैं, कहा जाता है कि वन स्पोर्ट नेशन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिकेट को खेला जाता है, देखा जाता है, इसको पॉलिटिक्स में लेकर आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा हमारी फ्लिप साइड पे जो है ऐसा नहीं होता, और हमने देखा कि इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लेकर आए। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि कोई ऐसा एससीओ के दौरान भी ऐसी चीज या ऐसा पॉइंट सामने नहीं आया जहां पर इंडिया ने रेज किया हो कि उनको कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या इस टूर्नामेंट को लेके वो नहीं आना चाहते। ये वही बात है अगेन कि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस टूर्नामेंट के अगेंस्ट या ना आने के हवाले से या हाइब्रिड मॉडल के हवाले से जितनी भी बातें की जाती हैं वो इंडियन मीडिया से जो है ना वो निकाली जाती है, और जस्ट वो एक फ्लेवर चेक किया जाता है कि ऑडियंस का फ्लेवर चेक किया जाए, इसमें किसी किस्म की भी कोई ऑफिशियल नेचर मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप था, और वहां जाकर भी इंडियन मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया कि बिल्कुल दोनों डेलीगेट्स के दरमियान ये बात हुई है, इनिशिएट हुई है, एक विंडो जरूर ओपन हुई है, और हमें शायद ये होप रखनी चाहिए कि इसको हम पॉजिटिविटी की तरफ आगे लेकर जाएंगे और इंडिया की टीम जरूर पाकिस्तान आएगी। ये शायद पाकिस्तान इंडो पाक क्रिकेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान जरूर आए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अबू बकर बिन तलत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक